कैसे हो दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है। तो अभी हम हैं अहमदाबाद। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में, और आज हम घुमाने वाले हैं आपको एक ऐसी मस्जिद में जिसका नाम है जालीवाली मस्जिद। और ये मस्जिद इतनी खासियत क्यों है, क्योंकि जिंदगी में पहली बार पीएम मोदी जी इस मस्जिद में गए थे। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा 2017 में जब जापान के प्रधानमंत्री इंडिया आए थे, तो उनके साथ पीएम मोदी और जापान के प्रधानमंत्री पहली बार इंडिया में इस मस्जिद में घूमे। बहुत ही शानदार मस्जिद है, और आप देख सकते हो कि ये यहाँ से मस्जिद स्टार्ट हो चुकी है, और बहुत ही शानदार मस्जिद है। इसकी हिस्ट्री भी बहुत अच्छी है, इस मस्जिद को हम घूमने वाले हैं। दोस्तों ऑटो से आया था, मैं उतर गया। दोस्तों अभी हम जा रहे हैं मस्जिद के पास। अगर मस्जिद की बात करो तो 400 साल पुरानी ये मस्जिद है, और अहमदाबाद की मशहूर सिद्दी सैयद मस्जिद है। और इसी मस्जिद में जो है हमारे पीएम मोदी जी लाइफ में पहली बार इंडिया के अंदर मस्जिद में आए, साथ ही साथ जो जापान के प्रधानमंत्री थे शिजो और उनकी पत्नी, वो भी इस मस्जिद में आए। दोस्तों बताना चाहता हूँ, आज जुम्मा है और मैंने वजू कर लिया है, और जुम्मे की मैंने यहाँ नमाज पढ़ी और काफ़ी प्राउड फील हुआ, खुश नसीब हुआ। दोस्तों कहा जाता है कि इस मस्जिद को सिद्दी सैयद ने बनवाया था, जो यमन से आए थे। सिद्दी सैयद बहुत ही दयालु व्यक्ति थे। सिद्दी सैयद सुल्तान नसरुद्दीन और सुल्तान मुजफ्फर शाह के दरबार में काम करते थे। बहुत दयालु थे, लोगों का ख्याल रखते थे। ब्रिटिश शासन काल में यह मस्जिद सरकारी दफ्तर का काम चलता था, लेकिन एक बार फिर दोबारा यहाँ पर नमाज हो गई, और नमाज चलती है इस समय बहुत ही शानदार है। दोस्तों सबसे बड़ी जो चीज़ इसमें आप देखोगे, ये जो छत देख रहे हैं ना, ये एग्जैक्टली छत नहीं है। ये जब चार पिलर खड़े कर देते हैं ना, तो ऑटोमेटिक छत बन जाती है। इस छत को बोला जाता है पजल वाली छत, यानी इसको आप शिफ्ट करके दूसरी जगह भी आप मस्जिद को खड़ा कर सकते हैं। इस मस्जिद की जो सबसे बड़ी खासियत है वो यह है जाली बर्क। ये जाली बर्क के लिए मशहूर है, इसलिए जाली वाली मस्जिद भी बोला जाता है, जो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का हिस्सा है। इस मस्जिद में 8 खिड़कियाँ हैं, जिसमें पत्थर पर जाली का काम हुआ है, यानी 8 आप खिड़कियाँ देख सकते हो, सब में जाली का काम हुआ है, बहुत ही शानदार। और 2017 में जब मोदी और जी आए थे और जापान के प्रधानमंत्री जी आए थे, तो जापान के प्रधानमंत्री ने भी इस मस्जिद की काफ़ी तारीफ की थी। तो हो भी क्यों ना तारीफ, तारीफ करने लायक है, और बहुत शानदार हवा आती है। मैं तो खुशनसीब था जो आज मैंने यहाँ नमाज़ पढ़ी, 1573 में बनी मस्जिद में नमाज़ पढ़ी, काफ़ी अच्छा फील हुआ। दोस्तों इस मस्जिद के बाहर बात करें तो 2-4 कब्र और हैं जो मैं दिखाना चाहूँगा। इसके ऊपर का रास्ता था, बट ऊपर जाना अलाउ नहीं है। दोस्तों बाहर की बात करूँ तो यहाँ पर कुछ कब्रें देख सकते हो, अभी मैं बाहर आ गया हूँ। दोस्तों ये जो बाहर चौक देख रहे हो, इस चौक को बोला जाता है लाल दरवाजा, क्योंकि ये लाल दरवाजे से फेमस है। और यहाँ पर एक रेस्टोरेंट भी है, तालकी रेस्टोरेंट, जहाँ पर 26 कब्रें हैं, जो मैं इसका ब्लॉग ऑलरेडी बना चुकी हूँ। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं यहाँ की फेमस मस्जिद देखने के लिए, जामा मस्जिद, और वहीं पर है अहमद शाह की कब्र। यानी अहमद शाह कौन, जिन्होंने अहमद शाह, यानी जिनके नाम पर अहमदाबाद का नाम रखा हुआ है। तो यहाँ के काफ़ी व्यस्त मार्केट कही जाती है, और यहाँ अभी मैं पैदल उतर गया हूँ, और अभी हम देखने वाले हैं यहाँ के 3 दरवाजे जो काफ़ी फेमस हैं। ये मार्केट मुझे सेम ऐसी लगी जैसे चार मीनार की मार्केट है हैदराबाद में, बहुत ट्रैफिक होता है, पैदल चलना होता है। तो यहाँ से आप ये लाल दरवाजे देख सकते हो, इस पर घड़ी लगी हुई है, और यहाँ एग्जैक्टली 3 गेट है, जो इसको मैं आपसे करीब से भी दिखाने वाला हूँ। बट यहाँ की जो मार्केट है वो काफ़ी बिजी मार्केट है, सेम ऐसी जैसे जो है चार मीनार की मार्केट है। दोस्तों आपको पता होगा मेरा गला बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए एक नई लोकेशन दिखा रहा हूँ। बट कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करते हैं जब भी कुछ मिलता है। तो दोस्तों अभी जस्ट हम आने वाले हैं 3 दरवाजे के पास, यहाँ क्राउड देखिए। तो फाइनली आप 3 दरवाजे देख सकते हो, जो बेहद ही खूबसूरत बने हुए हैं। अहमदाबाद में जितनी भी हिस्टोरिकल चीज़ देखोगे, सबका कलर जो मिलेगा एक ही मिलेगा, यानी जो पत्थर है एक तरह से ब्राउन बोल सकते हो, हल्का हल्का येलो बोल सकते हो, तो बहुत ही शानदार है। अगर इसमें मैं करीब से दिखाऊं और मैं अंदर से आपको दिखाना चाहूँगा, तो इसके ऊपर की छत देखिए, और इसके ऊपर एक मंजिल और है छोटी सी, जो जहाँ इंसान पास होकर गुजर सकता है, बट फिलहाल वो बंद कर दी गई है। छत देख लीजिए इसकी। और अभी मैं ऑटो में बैठने वाला हूँ, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ की फेमस जामा मस्जिद, वो जामा मस्जिद जो देखने लायक है, साथ ही साथ वहीं पर अहमद शाह की जो है मकबरा है, और उनकी वाइफ का भी मकबरा है। तो
दोस्तों हम आ चुके हैं जामा मस्जिद में। यहाँ की फेमस मस्जिद है जामा मस्जिद, यहाँ से आप इसका इतिहास पढ़ सकते हो और दो तीन बोर्ड लगे हुए हैं इसको पहुँच करके ही पढ़ सकते हो। बट अभी हम अंदर जा रहे हैं क्योंकि जब मैं यहाँ आया था तो जामा मस्जिद से नमाज जुम्मे की होकर फारिग हुई थी, यानी यहाँ पर लेट नमाज होती है, यानी 2 बजे के बाद ही होती है। काफ़ी गर्मी थी इसलिए बीच में आप ये देखिए इस पर चला था, और यहाँ से आप इस मस्जिद का पूरा लुक देख सकते हैं। बहुत ही शानदार मस्जिद है दोस्तों, बहुत ही शानदार मस्जिद है। मस्जिद के चारों तरफ जो है बैठने के लिए आराम के लिए व्यवस्था है, और अपने टाइम पर यहाँ पर जो मदरसा हुआ करता था। ये सामने मस्जिद आप देख सकते हो, बहुत ही शानदार मस्जिद उस समय की। और आप मस्जिद के ऊपर देखेंगे तो गुम्बद मिलेंगे, सब पे आपको गुम्बद मिलेगा चारों तरफ। ये देखिए चारों तरफ आप गुम्बद देख सकते हो मस्जिद के, और बीच में जो है वजू खाना है ये उसी टाइम का बना हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन गर्मी बहुत है, तो दोस्तों अभी मैं जा रहा हूँ और मैं ये जो दो आप देख रहे हैं मैं इसको नहीं समझ पा रहा कि एग्जैक्टली क्यों बने हुए थे। गर्मी में बहुत बुरा हाल हो गया था। ये बीच में दो आप पिलर देख रहे हैं, एक ये वाला देख रहे हैं और थोड़ा सा मैं करीब से दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, ये मैं समझ तो पाया नहीं और कोई गाइड था नहीं समझाने का। और दूसरी साइड भी बना हुआ है, यानी इस साइड भी बना हुआ है और ये उस साइड भी बना हुआ है, यानी दो बने हुए हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है, कलर सबका एक ही है। और ये देखिए मस्जिद का लुक गजब। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं मस्जिद के पास और करीब से आपको जो है हम आपको यहाँ की मस्जिद दिखाने वाले हैं। दोस्तों पास से आप देख सकते हो ये जो कलाकृति बनी हुई है ना, ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बेस पर बनाई गई थी, और ये दोनों साइड बने हुए हैं, उस साइड भी उस साइड भी, और बीच में क्योंकि जुम्मे की दिन नमाज होती है तो इसको लगा दिया जाता है। और अभी अंदर से इसका लुक देखिए। अहमदाबाद और गुजरात में जो मस्जिद मिलेंगी ना ज़्यादातर आपको इसी टाइप में मिलेंगी, चाहे वो केवड़ा मस्जिद हो, चाहे वो जामी मस्जिद हो, चाहे वो गुजरात की सबसे फेमस मस्जिद हमने दिखाई थी आपको। अंदर का लुक देख लीजिए, बहुत ही शानदार है। 200 से ज़्यादा यहाँ पे पिलर है और पिलर पर टिकी हुई मस्जिद है, क्योंकि उस समय सीमेंट नहीं हुआ करता था। बहुत ही शानदार यहाँ की मस्जिद जो है वो आप देख रहे हैं। ये देखिए बहुत ही गजब, और सेम इसमें भी ये देखिए। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं जस्ट सामने जहाँ पर अहमद शाह का मकबरा है वो आपको दिखाने के लिए, और ये इसका रास्ता है। छत, मुझे तो छत को देखकर पागल हो जाता हूँ, बहुत ही शानदार नक्काशी है। तो अभी हम देखने वाले हैं मकबरा, और ये मकबरा भी काफ़ी बड़ा बनाया गया है। ये देखिए बहुत ही शानदार, पहले मतलब मकबरे के लिए लोग जीते थे, महलों की चिंता नहीं थी, जाली का काम हुआ हुआ है। यहाँ पर आपको बहुत सारे कब्र मिल जाएंगे सेम इसी तरीके से जैसे फतेहपुर सीकरी में बहुत सारी कब्र है। तो दोस्तों ये जो दिख रहा हो ये जगह आ चुकी है जहाँ पर अहमद शाह की कब्र है, बट अंदर फोटो और वीडियो लेना मना है। यहाँ से मैं इसका लुक दिखाता हूँ, और यहाँ से आप पढ़ भी सकते हो टॉम्ब ऑफ सुल्तान अहमद शाह, जिन्होंने अहमदाबाद का नाम उन्हीं के तर्ज पर रखा हुआ है। ये देखिए बहुत ही गजब दोस्तों। जस्ट सामने बात करूँ तो सामने भी बहुत सारी कब्र हैं, ये और उसी समय की कब्र हैं, लेकिन ये पता नहीं चल पाया कब्र है किसकी। तो दोस्तों अभी अंदर जा रहा हूँ और मैंने अपने शू उतार दिए हैं, कोशिश करूँगा कि अंदर वीडियो अलाउ हो या नहीं हो। तो यहाँ अंदर आप इसका ये देख सकते हो। तो दोस्तों अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं था, और आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। आपको काम पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरी आवाज़ अभी भी बैठी हुई है, धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। आप जितना प्यार देख रहे हैं उसके लिए बहुत शुक्रिया। तो आज मैंने आपको वो वाली मस्जिद घुमाई जहाँ पर भारत में पहली बार हमारे PM मोदी जी गए थे और जापान के प्रधानमंत्री गए थे। इस ब्लॉग को मैं एंड कर रहा हूँ। ब्लॉग को बहुत प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अल्लाह हाफिज़।